आइंदा से लोग कुछ करने से पहले 10 बार सोच के करेंगे। हम औरतों को बोलते हैं सर ना रक्षण देते, कहाँ है रक्षण, कुछ भी रक्षण नहीं है। छोटे बच्चे ऐसे कितने रेप हो रहे हैं, कोई भी सरकार उसके तरफ कोई काळजी नहीं है। वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कोई भी औरत के तरफ किसी को फिक्र नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम बार बार होराटा करेंगे, बार बार सत्याग्रह करेंगे। हम लोगों को तकलीफ देने से सरकार को अगर खुशी होती है तो होने दे। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। हमारे जो संगठन है भ्रष्टाचार निर्मूलन दड़ा स्वाभिमान वेदी के महिला संगठन और बहुत से संगठन हैं महिला के, इनको ये लोगों सब यहाँ पर जमा होकर अपने न्याय के लिए होराटा कर रहे हैं। हमारे को बोलते हैं सो न्याय होना बहुत ज़रूरी है, या छोटी बच्ची का रेप करे कल दूसरी का तीसरी का, ये सिलसिला अगर ऐसा ही चलते रहा तो औरत दिन में भी फिरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार हर औरत को ये इत्मीनान दिलाती है कि हम औरतों को बोलते हैं सर ना रक्षण देते, कहाँ है रक्षण, कुछ भी रक्षण नहीं है। ऐसे लुच्चे लफंगे आदमियों को बोलते हैं सर ना उनको उम्र कैद की सजा दे या नहीं तो उनको फांसी की सजा दे। ऐसा देने से दूसरे मर्द को एक बोलते हैं सर ना सबक हो जाएगा, आइंदा से लोग कुछ करने से पहले 10 बार सोच के करेंगे। आप उन लोगों को अरेस्ट करके उनको बोलते हैं सर ना जेल में डालेंगे, उसके बाद उन्होंने बेल लेके मारेंगे, फिर वही हरकत करेंगे तो फिर बोलते हैं सर ना कोर्ट में न्याय लेने की मतलब ही क्या रहा, और पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करने का मतलब ही क्या रहा। सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कोई भी औरत के तरफ किसी को फिक्र नहीं है यार, ये काळजी ला और किसी को फिक्र भी नहीं है। हमारे को बोलते सो ना न्याय होना, अगर न्याय नहीं मिला तो हम सत्याग्रह करेंगे। आप जी मेरा नाम नीलोफर है, मैं भ्रष्टाचार निर्मूलन दड़ा की विभागीय अध्यक्ष हूँ, और बोलते सो ना ये जिला अध्यक्ष है। एक औरत होने के नाते मैं औरत का दर्द समझकर, चाहे कोई भी रंदे छोटे बच्चे ऐसे कितने रेप हो रहे हैं, कोई भी सरकार उसके तरफ कोई काळजी नहीं है। एक मिनिस्टर जब आता है तो उसके तरफ हर कोई तवज्जो देते हैं, एक गरीब बोलते सो है नहीं ये गरीब बच्ची के तरफ, गरीब फैमिली के तरफ क्यों तवज्जो नहीं देता। आज सरकार का बोलते सो है ना फर्ज है कि उन लोग बोलते सो है ना गरीब लोगों के तरफ और अत्याचार होते हुए औरतों के तरफ सही बोलते सो न्याय करें। ये मेरी तहे दिल से गुजारिश है आप लोगों से, अगर मैं गलती में कुछ बोली भी होंगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सरकार से, मगर रिक्वेस्ट तहे दिल से पूरे संगठन से करती हूँ इस बच्ची को बोलते सो है ना न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो हम बार बार होराटा करेंगे, बार बार सत्याग्रह करेंगे। इससे अगर सरकार को हम लोगों को तकलीफ देने से सरकार को अगर खुशी होती है तो होने दे। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಎಸಗಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಥರ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಬಾರದಂತ ನಾವು ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮನೆ ಸುಮಾ ಎಸ್ ಕವಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ.